Chaplin throw final. Niraj Chopra up next. Needs to try and put something together here. He's trying to roar. What a javelin competition this is. And that is another great throw. Niraj Chopra. And what a story he is proving to be for athletics in India. बहुत दूर दूर है, सब जिसमें पता लगेगा ना। तो अभी बात हमको करनी है नॉर्मल। हाँ जी, हेलो हेलो, 1 2 3। ये तो काफी लंबा चलने वाला है प्रोग्राम मुझे लग रहा है। फिर सही में तो ये है कि जैसे अपने पूरे परिवार का नीरज पहला बेटा था, सबसे बड़ा परिवार में वही है। और हमारी माता जी उस टाइम थी, उनके लाड प्यार उसके साथ काफ़ी थे। देसी खाना जितना भी है ना, वो उसको ज़्यादा खिलाती थी। तो हुआ क्या कि उसमें वो ज़्यादा बढ़िया खाना तो तकरीबन था ही, वो तो ओवरवेट उसका होना शुरू हो गया। बस छोटा था जब न्यू चिंता तो रहती थी भाई किस तरह रहेगा, तो इकट्ठा परिवार था, छोटे बच्चे और साथ में थे उनके चला रहा, अपना बढ़िया टाइम हो गया था। तो उन्हें तो सबका परिवार ही साथ दिया, मैं चाचे भी तोरो पापा भी मम्मी भी और चाची भी, कोई नू को नहीं है, वही मम्मी पापा अलग हैं, चाचे ताऊ अलग हैं, चार भाइयों का परिवार इकट्ठा है। जब हम एक मामले में मानते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, लेकिन इस मामले में मेरे जो और भाई हैं वो हमेशा मेरे से ज़्यादा ख्याल रखे उसका। छोटे भाई की और नीरज की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, 16-17 साल का फर्क है। वो मतलब ज़्यादा नज़दीक है नीरज उसके छोटे भाई के, तो जाहिर ही बात है सबसे बड़ा है तो लाडला भी सबसे ज़्यादा होगा। और इतना दूध घी मलाई घी खिलाया कि ये खूब तंदुरुस्त बिल्कुल मोटा ताज़ा हो गया। आम बच्चों से ज़्यादा वजन था उसका, तो फिर महसूस हुआ कि भाई इस तरह एक मतलब एक फार्मर फैमिली का बच्चा ऐसे ठीक लगता ही नहीं, अनहेल्दी सा फील हो रहा था वो। छोटे भाई ने बोला भैया इसको ना जिम ज्वाइन करवा देते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा हाई इसकी बॉडी शेप में आओगी। अच्छा, इसकी परवरिश हुई है तो इसको दोबारा से हम लोग रीसेट कराते हैं, तो हम लोगों ने उसको जिम ज्वाइन करा दिया। और जिम से पहले जैसे इधर अपने गांव में ही जब खेत के रास्ते थे, पगडंडियाँ थी उन पे भागना, या सड़कों पर मतलब साइड में जो कच्चे रास्ते हैं उन पर भागना, वही था बस। नीरज भाई, एक जॉइंट फैमिली से आना और एक मिडिल क्लास फैमिली से आना, और जिस तरीके से आपने भी देखा भी कि हर किसी ने एक स्ट्रगल की कहानी है अपने आप में, तो उसने कैसे आपका एक कैरेक्टर शेप किया? मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा जो असर है मेरे ऊपर वो यही है कि सभी की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि फैमिली में काफ़ी मेम्बर्स हैं, तो मुझे कभी भी कजन्स को लेकर कभी ऐसे नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे रियल भाई बहन है, क्योंकि हम शुरू से ही साथ में रहते थे। मुझे फील होता था कि हाँ मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है और शायद मुझे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हम खेलते तो थे ही, भले ही वेट ज़्यादा है लेकिन कहीं ना कहीं और बच्चों की तरह इतने एक्टिव नहीं थे, क्योंकि स्पोर्ट्स का पूरे फैमिली तो क्या पूरे गांव में कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो एक नई लाइन थी बिल्कुल, एक मतलब ऐसे बोलते हैं कि पूरा ट्रैक से अलग ही था, तो सभी को ऐसा लगता था कि क्या ही करेगा। लेकिन छोटे अंकल हैं सुरेंद्र अंकल, उनको बहुत ज़्यादा था कि नहीं इसकी फिटनेस अच्छी करनी है और इसको बढ़िया स्टेडियम में छोड़ना है। मतलब ये उम्र ऐसी है कि वो गलत तरीके से एक्सरसाइज करेगा तो भगवान ना करे कुछ चोट लग जाए, तो एक अच्छे कोच के पास में इसको फिटनेस के लिए डाल दिया। तो ट्रेनर को स्पेशल ड्यूटी लगा दी, आप अगर 2 घंटे आपने देने हैं तो स्पेशल ही दोगे इसको, उसके लिए हम पे कर देंगे। जब लगा कि वो कोच ने खुद हमें जवाब दिया कि अब ये मेरे तरीके से पूर्णतया फिट है,
भाई अब बताओ क्या करना है, ये तो हमने सोचा ही नहीं। पानीपत में उसका जो जिम ज्वाइन करवा था वहाँ पर स्टेडियम साथ में है, शिवाजी स्टेडियम के नाम से। यहाँ से मैं साइकिल पे जाता था, 7-8 किलोमीटर का रास्ता था और फिर जाना आना, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मेहनत थी जिम के अंदर से करने से। तो असली तो मुझे लगता है असली ट्रेनिंग जो फिट होने के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो ग्राउंड पे ही होती है, जब हम रनिंग करते हैं या पूरा प्रॉपर आउटडोर ट्रेनिंग करते हैं। तो जो टाइम उसकी ट्रेनिंग के बाद बचता था इसका, उस टाइम में ये स्टेडियम में बैठना शुरू हो गया, क्योंकि वो जिम का तो काम हो गया था। और वहीं पर ही मुझे ऐसे पता लगा कि जैवलिन ऐसे स्पोर्ट है, क्योंकि वहाँ पर सभी जो साथी थे मेरे वो करते थे। मतलब उस टाइम जानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पहचान होती गई और देखता था मैं उनको बैठ के जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती थी कि हाँ ये जैवलिन है और मुझे यही करना है, बस वो एक उसी की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। स्टेडियम में जाने के बाद इसके ये मोनू मोंटू ये दोस्त बने, ये ज़्यादा नज़दीकी हो गई इसके। तो मोनू खुद जैवलिन का एक बहुत अच्छा थ्रोर रहा है। दो हज़ार 2011 की बात है, तब ये ग्राउंड पे आया था, ये जब फिटनेस के लिए आता था वहाँ पे, और शायद इसने कभी एक बार जैवलिन भी फेंका, एक दो बार। तो इसको देखा और थोड़ा सा लगा कि जैसे जैवलिन वाली चीज़ है इसके पास कुछ। मेरा तो अलग है, मैं पानीपत से हूँ जी, वो खंडरा गाँव से आता था। हाँ हम वर्कआउट करते थे उस टाइम पर, तो उस टाइम पर जैसे हमारे ग्रुप में ही था, जैसे आते थे इकट्ठे अंकल छोड़ने आते थे, तो ऐसी बातचीत हो गई। फिर क्या होता है आपको ज़्यादा मस्कुलर नहीं होना आता जैवलिन के लिए, आप रिलैक्स मसल होने चाहिए आपके, और फ्लेक्सिबल आर्म वो इसके पास काफ़ी अच्छे फ्लेक्सिबल आर्म है। हमें सपोर्ट्स का नॉलेज नहीं था, तो उन लोगों की उन बच्चों की नसीहत मान के फिर हम लोगों ने इसको सपोर्ट्स की तरफ मूव करा दिया। कुछ डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ होती हैं आपकी, जैसे फास्ट आर्म होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपकी बॉडी, और ये चीज़ थी उसमें, पहली बार में दिख जाता है, थोड़ा सा अलग जो होता है तो दिखता है। जो ये खेलना चाहता है और जो आपको इसके अंदर संभावनाएं दिखती है आप वो करा सकते हो। एज ए फैमिली हम लोग बैक हैंड पे साथ में खड़े हैं। तो उन्हें लगा रहे यार तू जैवलिन कर दे तो ठीक थ्रो कर लेता है। तो वो दिन था, वो जैवलिन पकड़ी थी तो पकड़ी थी, उसके बाद तो फिर आज का दिन है। पहली बार होता है आपके लिए चैलेंज होता है कि ये स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि तब तक तो वो नॉर्मल अपनी फिटनेस के लिए आ रहा था। तो जब पहले वो कन्विंस हो कि वो जैवलिन करने के लिए राज़ी हो, तब आगे की चीज़ सोची। जब पहली बार मिले तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं जैवलिन करता हूँ और ये अच्छा कर सकता है। तो पहली बार का ही बॉन्ड ऐसा है पूरी फैमिली के साथ। तो अंकल ने पहली बार ही ऐसे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसा अच्छा लगे वैसा, जो बेस्ट कर सकते हैं हम वो फैमिली की तरफ से बेस्ट करेंगे, बाकी मेहनत करो। बिल्कुल, ये तो था कि परिवार इतनी मेहनत करता है और फैमिली की कंडीशंस पता थी क्या है, लेकिन इतना दिमाग नहीं था उस टाइम पे कि बस ऐसा कुछ माइंड में हो कि नहीं अब मुझे करना ही है, अब मुझे ओलंपिक गोल्ड जीतना है। बस ये था कि डेली का जो रूटीन था कि मेहनत करने जाना है और अच्छे से मेहनत करनी है, वो मेरे हाथ में था उस टाइम पर। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पैशन था तो मैं इतने अच्छे से कर पाया। यहाँ था कि रिस्पॉन्स कैसा था जब आपने बताया कि यार हमारा जो भतीजा है वो जैवलिन में जा रहा है और अच्छा कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है? कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था कि ये जो करना चाहता ना, हम इसको इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमने अपनी लाइफ के सपनों को मरते हुए देखा है, और वो सपने मरते तभी हैं जब आपके पास में लैक ऑफ फाइनेंशियली पोजिशन हो। काफ़ी सारे लोगों ने डिमोरलाइज भी किया, अरे कहाँ ये क्या क्या खेल है, यो डंडा उठा के फेंक रहा है, कोई खेल है यो? देखो पहला दौर जो इसका जैवलिन का था हमारे लिए चैलेंजिंग तो था, लेकिन ये था कि जब हम चार भाई इकट्ठे कमा रहे हैं तो अपना सारा कुछ बैलेंस बना के भाई हमें कामयाब करना है, इसको हमारी लगन थी बस इसको कामयाब करना है। भाई सब बच्चे बोलते हैं कि पढ़ता है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग करता है, मेरा बेटा मेडिकल पढ़ता है, तो एक हमारा जवाब ऐसा होता था कि हमारा बच्चा खेलता है, खेलने के लिए जाता है।
तो ये एक लीक से हटके सवाल था गांव के लोगों के लिए भी, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, किसी का बच्चा जाता ही नहीं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सभी लोग देहात में यही बोलते थे ये क्या खेल है, खेल तो कुश्ती कबड्डी का है जिसमें जान का भी पता चलता है कितनी जान है तेरे में, क्यों कुश्ती कबड्डी एक कल्चर था हरियाणा का। लेकिन हम थोड़ा और टाइप की, हमारी फैमिली हमने सुनी सब की करी अपने मन की, हमने नहीं पता था जी बालक के मन में यह चीज़ है कि भाई मैं तो खेल करूँगा तो इस पर 100% झोंक दो। और बिल्कुल मैं तो बहुत अपने आप को लक्की मानता हूँ कि ऐसी फैमिली मुझे मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे बोल सकते थे कि हाँ पैसों के मामले में ज़रूर दिक्कत रही होगी, कि मुझे किसी चीज़ की कमी होती थी, कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, शायद उस टाइम पे पूरा ना हो पाए, लेकिन मेंटली मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मुझे टाइम दिया, सबसे बड़ी बात है। तो वो मुझे मेरी मेहनत करने का और मुझे खुद पे बिलीव करने का, खुद को जानने का मुझे टाइम मिला, उनका मेरे ऊपर विश्वास था, एक सब्र था उनके अंदर कि ये कर लेगा, अच्छा इसको टाइम चाहिए। तो बिल्कुल वो टाइम के साथ कुछ साल लगे, लेकिन जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो, और वो अभी जब मेडल्स आ रहे हैं तो सभी को पता लगा कि नहीं वो खेल नहीं, अब ये ओलंपिक खेल है या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स। बस नहीं, मोनू है साथ में, रुकेगा नहीं। इन लोगों ने मतलब छोटा बच्चा था उस टाइम, इसको पाल के बड़ा किया, तो इनका प्यार ज़्यादा इसमें। और उस टाइम फ़ोन का या मतलब यूट्यूब का कोई ऐसा काम हमारे पास था नहीं, तो उन बच्चों के फ़ोन से ही, ये छोटे फ़ोन में उनसे वीडियो लेके आता था। ओ फोकस उनका जी स्टार्टिंग से गेम पे था, क्योंकि फ्री टाइम पे भी फ़ोन में वीडियो देखते रहना, उस टाइम पे तो, अब तो ये जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है तो उस टाइम पे नहीं था, तो यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड करके फ़ोन में, हाँ जी उन पे देखता रहना वीडियो। हाँ ये जेवलिन की वीडियो जैसे प्रैक्टिस रिलेटेड अपना जैन जलेंजली वगैरह, इनकी जितने भी हमारे टॉप थ्रोर रहे हैं उनकी वीडियो बार बार रिपीट करना, उनको फ्री टाइम में बहुत देखते थे। तो तब इसको 7-8 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग में एक जेवलिन दिलवाई थी कि भाई इससे अपनी प्रैक्टिस है, जो एक छोटे लेवल की प्रैक्टिस जो थी स्टार्टिंग की, वो इसे कर सकता है। चाचा जी एक कहानी हमने सुनी है, वो थोड़ा सा उस पर आप बेहतर बता पाएंगे क्या कुछ हुआ था कि एक जेवलिन टूटता है, नीरज रो रहे होते हैं, फिर आप वहां पर आते हो, अलग अलग उसके हमने वर्जन देखे हैं, सच्चाई आप ही बता सकते हो। अरे ये रोने वाली तो कहानी वैसी पता नहीं किसने कहाँ से जोड़ के खड़ी कर दी जेवलिन की। दरअसल वो इधर शिवाजी स्टेडियम में जब प्रैक्टिस करता था ना, तो उसने जब थ्रो की ना, वो जेवलिन कहीं ना कहीं किसी कंकर पत्थर पे वो उसकी जाके नोक लगी और वो जेवलिन आगे से ब्रेक हो गया, उसका थोड़ा सा हिस्सा टूट गया। जब नीरज से मिले हम तो देखा उदास सा हो रहा था, जैसे भाई नुकसान होने के बाद उदास हो जाए। मैंने कहा हम तो देसी ही आदमी थे, हमने जेवलिन फाँकना तो बहुत दूर की बात सुनी है, पहली बार थी, इन्हें खेल भी शुरू कर दिया था, उसके बाद तो नहीं पता लग गया था जेवलिन भी कोई खेल है। महिया कैंक की आऊगी, हम बोले 8-10 हज़ार की आऊगी, मखाई डंडा हा। हाँ इसे टोन में बात करी, मखाई डंडा हा, बोले अंकल महंगी आवया। ओवरऑल हमें नीरज के ऊपर उतना ही ब्लाइंड फेथ था जितना पहले दिन से बेबी के ऊपर में बच्चे को होता, पेरेंट्स को होता है। हमें लगा कि कुछ भी हो, ये जो कर रहा है और हम जो करा रहे हैं हमारे हिसाब से सही है। आप किसी भी फील्ड में हैं, जब तक आप कामयाब नहीं होते तब तक आपके लिए सवालिया निशान ऐसे बने रहते हैं। तो उसका हम लोगों ने पॉजिटिव अपनी तरफ से आंसर ले लिया खुद से ही, कि जब लोग सवाल कर रहे थे तो हमें लगता था कि ये ठीक कर रहे हैं। कहीं भी हमारे को अगर लगता है तो हम उसे पूछ लेते हैं, भाई अब क्या करना चाहो है, तेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मतलब वो दिल खोल का मतलब बता रहे है। बड़ी तो बड़ी बात है, यू बिगड़न तो हम बिन देंदे हैं, और हाथा मत है रोल दे फुटगी तो फुटगी, इट मीन्स मतलब अगर मेहनत करते करते भी बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा। हमने भी फिर पीछे इसके चलना शुरू कर दिया, तो बेटे आगे आगे हम पीछे पीछे, तो उसके बाद से इसने मुड़ के नहीं देखा। और लगभग 1-1.5 साल के बाद उस तब से मैं इसको बोल रहा हूँ कि तू कुछ खास करने के लिए बना। Thank you.
देखिए नीरज है ना, कुछ ऐसा एथलीट है, आप उसको अभी कभी भी प्रेशर में नहीं देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं काशीनाथ, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट। लास्ट एशियन गेम्स के एक फाइनल कॉम्पिटिशन था, आई थिंक इंटरस्टेट था पटियाला में। उस दौरान मेरे स्टूडेंट था देवेंद्र सिंह खंग और राजेंद्र जो खेल रहे दौरान ये भी आया था, तो उस दौरान देखा कि ये बिल्कुल जूनियर लड़का था। खेला था बड़ा फियरलेस वो, इसलिए सभी को पसंद आया क्योंकि कोच साहब वहाँ पे थे और जो भी सीनियर एथलीट वहाँ पे थे वो तो थ्रो कर रहे थे सभी 79 के करीब और मैं 70 मीटर भी लगा रहा, लेकिन मैं मस्त खेल रहा था, मतलब बिल्कुल अपना 100% दे के पूरा एफर्ट लगा के। तो उस टाइम पे मेरा रनवे वगैरह भी इतना अच्छा नहीं था, छोटा सा रनअप था, थोड़े से रनवे से ही भाग के थ्रो करता था, लेकिन थ्रो थे वो बहुत ही अच्छे थे, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मुझे लगा यार लड़का में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, क्योंकि ये एक उस चीज़ को हासिल करने में लड़के को बहुत से लड़कों को 7-8 साल लग जाता है, क्योंकि मतलब वो जो मैच्योर होने के लिए कॉम्पिटिशन किस तरीके से लड़ना है, तो उसके अंदर जब एक 17 साल के लड़के के अंदर वो चीज़ देखे, मैं देखा यार उस लड़के आगे जाके कुछ कर सकता है। So I'm Parth Jindal. I'm the founder and director of the Inspire Institute of Sport and JSW Sports. So this is the first question I'm asking all the guests who are involved in this documentary. When is the first time you came across this name, Neeraj Chopra? 2015 was the first time we heard the name Neeraj Chopra. I heard the name Neeraj Chopra. I got a call from Manisha. By title, my role is the head of sports excellence and scouting. At that, there was a young guy who everybody was talking about in javelin, which was odd because it was not a mainstream sport. You know, 16, 17, you see how they compete. It's not whether you win or lose, it's how you compete. What you look for is when you put them under against people who are better than them, or you put them under in a big stage, what is it? Do they rise to the occasion? Do they not rise to the occasion? Do they kind of, you know, revel in that? You could tell he was not overawed by the whole scenario. He was competing, his not throwing as far, his strength was nowhere close to the others at that time. ऐसा भी टाइम रहा है जब मैं ग्राउंड पे गया हूँ तो मैं मेडल के बिना भी निकला हूँ, बेस्ट 8 से बाहर होके भी निकला हूँ, फाइनल में भी नहीं पहुँचा मैं, क्वालिफिकेशन राउंड से ही बाहर निकला हूँ। तो ऐसा भी हुआ, वो शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होती थी, मैं अपना बेस्ट दे के निकलता था तो मैं खुश होता था। ये है ना, ये हमारी फैमिली सही है सारा कुछ जी, क्योंकि हमारे पास है ना, हमारे पास खोने के लिए कुछ ही नहीं था जी, हमारे पास पाने के लिए सब कुछ था। तो यानी उसको डरना ही नहीं है किसी चीज़ से, हम तो सिर्फ गेन करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थरो नहीं लग रही, ये चीज़ सोचनी नहीं है कभी, बस जाना है कंपटीशन में तो इन्जॉय करना है, जो मेहनत की है ना इतनी उसके मजे लेने। थोड़े अच्छे में बहुत खुशी मिलती थी, चाहे कुछ भी 1 मीटर थ्रो बढ़ जाए ग्राउंड पे, उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। तो वही था, गेन करने के लिए था और उसी के लिए मेहनत की। I am Radhakrishnan Nair, Chief Coach of Indian Athletics. I am in the National Coaching Arm since 2013 August. Now almost 10 years completed. I was in Trivandrum for the National Games in the month of February in 2015. So while watching the javelin throw final, that was the first time I seen Neeraj Chopra. Of course, he was finished 5th with the 73+, but I could find him tremendous arm speed as well as the flexibility of doing technique. So I could recommend his name to AFI. Can I invite the president of AFI to say a few words?
there was a lot of discussion when we were talking about javelin, and even I was not convinced in the beginning that javelin is an event where India could do well. And they find that this guy has got the swing, he's got the style, he's got the whip, he's releasing well. So these are the things the coaches, and we found in so many cases that it could be the fifth or the sixth or the eighth guy who's actually more talented when they put them through battery of tests. In 2015 March, he joined the camp. In fact, the whole year he was in Patiala. That from there, Neeraj's journey starts. Jump. में नेशनल कैंप मुझे मिल गया नेशनल गेम्स के बाद, तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ उसके बाद. सीनियर एथलीट्स मैंने देखे कि कैसे मेहनत करते हैं, नेशनल कैंप में क्या माहौल रहता है. और काफ़ी नॉलेज हुआ मतलब वहाँ पे, और वर्ल्ड मतलब अच्छी क्वालिटी के जेवलिन मिले, अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटी मिली, तो एकदम रिजल्ट एकदम बहुत अच्छा गया. मैं यही कहता हूं कि नीरज को मैं जिस तरीके से देखा हूं, और वो ये था कि वो प्रैक्टिस के दौरान भी अपना 100% ही प्रैक्टिस करता था, और कॉम्पिटिशन भी उसको 100% ही करता था. और मैंने उनके अंकल जो भीम अंकल है उनको पहले ही बोला था कि ये आपका जो लड़का है आगे जाके देश को ओलंपिक्स में श्योर मेडल जिताएगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी था. तो जो मैं अपने एज अ स्पोर्ट्समैन लाइफ में जिस तरीके से मैंने लास्ट में किस तरीके से कॉम्पिटिशन लड़ता था और किस तरीके से अपना आपको माइंड सेट करके रखा था, वो उसके अंदर ऑलरेडी था. जो पहला है मेरे साथ में जब फर्स्ट कॉम्पिटिशन जो खेलने के लिए गए थे हम लोग मंगलोर में, फेडरेशन कप था उस दौरान, वहाँ पे देवेंद्र फर्स्ट हुआ था और नीरज के सेकंड हुआ था. तो हम लोग, वो हमारा पहला कॉम्पिटिशन था नीरज के साथ में मेरा एज अ कोच. तो वहाँ से आने के बाद में सैप गेम्स खेला था, वहाँ पे सैप गेम्स में नीरज ने 82 मीटर करके सैप गेम्स का रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल भी जीता था. सो वी अंडरस्टूड दैट, AFA अंडरस्टूड दैट. Now this is the time you need further proper coaching. It's always a gamble when you invest in any athlete at a young age, and if you do it very singularly, where we pick one athlete and do it, it's always a huge gamble. Talented athletes in our country have never got the requisite support. They don't even know what it means, what the right technique is to, at that time, what the right technique is to throw a javelin. If you have the right system, eventually you will get the right results. And then Gary was very, very clear. He said, listen, this boy has talent and I really want to work on him. And if it doesn't work in a year, it doesn't work. But for 1 year, I want to train Neeraj. नहीं नहीं मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, मुझे विश्वास था खुद पे कि नहीं यार अच्छा कर देंगे. और बिल्कुल सपोर्ट मिला था उस टाइम पे, तो वो बहुत ही अच्छा लगा था दोनों तरफ से, गवर्नमेंट से भी और JSW से भी. लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि वही है ट्रस्ट था कि अच्छा कर देंगे आगे फ्यूचर में, क्योंकि ऐसी फैमिली से निकल के गए थे कि ये चीज़ें प्रेशर वगैरह ये सब रह गए थे पीछे, तो बस मेहनत ही थी. नहीं यो काम उसका दुर्दंत है, बचपन तय है उसने कभी घमंड क्या ही चीज़ का न्यू को नहीं है कि भाई आज हमारे घर में यह चीज़ बड़ी है या छोटी है तो मैं बड़ा होगा छोटा, आज भी बचपन में ही हो. देखिए हमने कभी इस तरह से नहीं सोचा कि ये रिस्क है, हमें लगा कि ये हमारी एक ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि भाई जो ये करना चाह रहा है ना हम इसको सपोर्ट करें. उसके पीछे हमारा तो मकसद कुछ भी नहीं था, सब कुछ नीरज के लिए था. ये इसके पीछे सबसे बड़ी तो बात उसका पैशन है, मतलब नीरज जैवलिन के अंदर तक इतना घुसा हुआ, उसका इतना पैशन है जैवलिन के प्रति कि आप एक दूसरे के पूरक बोल सकते हैं इसको.
जैवलिन है तो नीरज है, नीरज है तो जैवलिन है। और एक ही चीज मैं बोलता हूँ, आप करने से पहले कुछ बोलो मत और करने के बाद बोलने की जरूरत नहीं होती। 2016 में जब मैं सैफ गेम खेला 82.23 मीटर वहाँ पे थ्रो थी, तो उस टाइम पे लगा कि हाँ कुछ कर मतलब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ, रियो ओलंपिक्स के लिए। लेकिन मेन जब मुझे पता लगा असली कि हाँ नहीं अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी कर देंगे बढ़िया, मतलब किसी भी कंपटीशन में उतारे तो अच्छा ही करेंगे, तो वो लगा वर्ल्ड जूनियर में। That little surge from Ladima was just to take the lead and then slow the pace down and give Kovac a chance of getting back in touch. Chopra, the world number one. How does he respond? He responds like that. That is brilliant. देखिए ये चीज़ें जब होनी होती हैं तो होनी होती हैं। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में एकदम बहुत अच्छी पर्सनल बेस्ट हुई, जैसे 82.23 थी तो 86.48 मीटर मैंने वहाँ पे बेस्ट की। देखिए उस टाइम पर नीरज मेडल कंटेंडर था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन इतना बड़ा थ्रो वो मिरेकुलस थ्रो है आज के दिन भी, और उससे ही सारी चीज़ें चेंज हुई। तो वो एक जो जंप था वो काफी अच्छा था, और उस टाइम मुझे लगा कि हाँ यार अभी कहीं पे भी उतार दो अभी अच्छा ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। He was expecting it, he says now, but really when he went in, we thought he'll have a good throw, but we didn't think that he's going to have a world record throw. You know, it really gives you a boost at that time to say, hey, I can throw, and those are the distances pretty close to what the seniors were also throwing at that time. And so that made gave him a very, very good platform to make that transition. उस टाइम से जो असली एथलीट की पहचान है ना वो 2016 के बाद मिली, और जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ना 86.48 मीटर का, उसके बाद तो सब कुछ एकदम जैसे सारी सोशल मीडिया जाम ही हो गई थी, जैसे फेसबुक पे जो भी चीज़ छेड़े उसी पे नीरज चोपड़ा, उसी पे नीरज चोपड़ा। और इसके बाद हमने पीछे मुड़ के उसको रीचेक किया ही नहीं, सिर्फ वॉच किया कि क्या ये डायरेक्शन पे सही चल रहा है, क्या दिमाग में कुछ अलग चीज़ें तो नहीं आ रही हैं, क्या ये चकाचौंध में कहीं गुम तो नहीं हो रहा है, भटक तो नहीं रहा है। The Indian wrestlers had to depart to Rio. And I had stayed back for a while, and I did get some information from the AFI that Neeraj Chopra is coming back after winning that under 20 world championship. And I could hear a loud noise, you know, drum beats, people, a lot of people from Haryana, from Athletics Federation had gathered, and I saw a young boy. With me is Neeraj Chopra, who's back after conquering the world literally. सबसे पहले वो सबका धन्यवाद जो मतलब इतनी रात को अपने मतलब मेरे लिए स्पेशली आए हैं। तो ये भी मेरा एक टारगेट था इस साल का कि जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतूं, तो इससे भी सर I had never met Neeraj till he won the World Juniors, and what completely struck me was he was like my father and him got on like a house on fire. You know, I think my father saw himself in Neeraj because he's also from Haryana, Neeraj is from Panipat, my dad's from Hisar, so they started talking to each other in Haryanvi, and you know, it was just amazing to watch. And I think he was a bit overawed and he was a bit nervous coming into Mumbai and into this building and so many people wanting to meet him. Wait. I thought he was very unlucky because under 20 world championship in 2016 when he won that title, he missed the cutoff date just by a week. Olympic target, Olympic medal, ek cheez thi jo har koi chunta hai. His mark in that championship was over 86 meters, which was good enough for him to win a bronze medal at the Rio Olympics. हाँ जी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे।
सो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड नीरज वाई डिडंट यू, आपने एक महीने पहले ये क्यों नहीं फेंका था, आप क्वालिफाई क्यों नहीं किए ओलंपिक्स के लिए, आपका मेडल आ जाता, इंडिया का 2 मेडल 3 हो जाता और साक्षी मलिक पी वी सिंधु और आपका भी नाम रहता. तो ही वॉज लाइक नहीं नहीं भैया मैं तो इतना यंग हूँ, अभी तो बहुत समय है, ये तो शुरुआत है, अभी तो और करेंगे, आप चिंता मत करो आ जाएगा. तो आई सेड अच्छा ठीक है वेरी गुड. यू नो ही वॉज वेरी वेरी चिल्ड एंड वेरी कॉन्फिडेंट नॉन शलांट ऑलमोस्ट. यस यस That was actually the first time when I spoke to him. Otherwise, he was in camp, he was training, and I found him to be such a, you know, simple kid, such a relaxed kid. I mean, it was just unbelievable that somebody who has just won the world championships is so down to earth. हमारे उदयमान खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बधाई देना चाहता हूँ. हरियाणा का ये उदयमान खिलाड़ी जो है ये हमारे देश का और भी मस्तक आगे आने वाले खेलों के अंदर ऊंचा करेगा. We never got a medal in the world championships except Seema had got a silver 20 years ago, 25 years ago. 86 meters by this youngster, barely 20 years old, was phenomenal. इसके लिए ट्रेनिंग बहुत अच्छी की थी और हार्ड वर्क किया था और उसी का रिजल्ट मिला है. और काफ़ी लोग थे मेरे साथ, सीनियर्स हैं, कोचेज हैं, तो काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनका पूरा सपोर्ट था, तो उसकी वजह से पूरा मतलब कि मैं अपना कॉन्फिडेंस में था और अच्छा गया वहाँ पे. विजय जी उसके बाद वापस आकर वो चेंज महसूस किया क्योंकि एकदम से एक रिकॉर्ड भी वर्ल्ड जूनियर चैंपियन, मीडिया की पूरी अटेंशन. हाँ जी. तो वो लगा कि भाई ये एकदम से क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा लाइमलाइट. काफ़ी लोग जानने भी लगे थे और उस टाइम पे इतना पता नहीं था ट्विटर वगैरह का. काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया था, जैसे फैमिली से या फ्रेंड्स की तरफ से उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था कि देखो इसने, इस बंदे ने ट्वीट किया, यहाँ पे पॉलिटिशियन ने, एक्टर ने ट्वीट किया. तो वो चीज़ नहीं थी मेरे लिए भी कि अच्छा मतलब इतने लोग जानने लगे हैं मुझे इंडिया में. जब मैं इंडिया में आया तो फिर काफ़ी मीडिया वगैरह थी मेरे, एक बार तो मतलब कॉन्शियस हो गया था कि कैसे क्या हो रहा है सब कुछ. ये पूरा गांव हमारे बधाई देने पहुंचा है जी, बहुत खुश हुए हमें. ठीक है जी, हम तो यही सोचते हैं कि बहुत आगे तक जाए जी वो. लेकिन जब एक जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप उसने जीती थी तब से एक मन में हौसला हुआ भाई हाँ ये अच्छा कर रहा है और कुछ और भी नया करेगा, देश के लिए कुछ अच्छा करने वाला है. मेरे पूरे गाँव में, मेरे पूरे देश में इतनी खुशी है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती. उसने अपने दिमाग में एक ही चीज़ बिठा रखी है कि भाई मैं इसमें अपना 100% झोंकूंगा, मैं इसकी तय तक जाना चाहूँ, उसके लिए मुझे भले कितनी मेहनत करनी पड़ो. और इस कामयाबी के पीछे सिर्फ एक नीरज को ना लेके इस पूरे ग्राम निवासियों का आशीर्वाद है. हमने कभी नहीं नीरज से पूछा कि भाई अब रिजल्ट कब आएंगे जो तू खेल रहा है. क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जो वो कर सकता है ना वो कर रहा है. वी न्यू वी हैड अनअर्थ्ड द डायमंड इन द रफ. फ्रॉम देन टू नाउ मेनी थिंग्स हैव स्टेड द सेम अबाउट नीरज. And some things have changed. His popularity has obviously changed, but his humbleness and his originality has remained the same. लोगों की बात सच्ची हो जाती है अगर मैं अच्छा नहीं कर पाता है और आराम से कुछ साल मेहनत करके वापस घर पे आके बैठ जाता. अभी सब कुछ अच्छा है तो बिल्कुल वो सब कुछ झूठ हो गया है. और वो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जो हमारी शिद्दत से, मन से, दिल से की हुई मेहनत होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट लेके आती है. तो वो मैंने अपनी जर्नी से महसूस किया है. Mostly is Punjabi music. He dances off in the gym. So how good a dancer is Neeraj Chopra? Very good. Haryanvi dancing. वो भूख लगातार रहनी चाहिए अगला फिर कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए. My perspective as a president, more to say, tell me what you want, we'll do it for you. He's saying I'm not measuring a distance.
Because I always used to ask him, kitna fekega? He's saying, mujhe pata nahi hai, achha throw aayega, badhiya throw hoga. That's all he used to tell me. You can say, we can't say luck. It is his hard work. I was devastated. 2020 was just 15 months away. Neeraj needing surgery means it's going to be very difficult for him to qualify for the Tokyo Olympics. So that balance had to be maintained, that we increase his strength along with not compensating with the flexibility part. वो जिस तरह से अपने लक्ष्य की ओर देखता है और डिसिप्लिन रहता है वो सारे गुण एक फौजी के भी और एक खिलाड़ी के भी नीरज चोपड़ा में। आप बोर तो नहीं हुए ना? ना ना सही चल रहा है, देख के मजा आ रहा है, कोई दिक्कत। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।